अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम एक और नई वीडियो और एक नए चूल्हे के साथ हाजिर हैं। ये है जी पावर इंडक्शन कुकर, जिसका मॉडल है GP403 न्यू। ठीक है, तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको हम चला के दिखाएंगे कि ये कितनी बिजली कंज्यूम करता है। देखिए इसके ऊपर जो प्रिंटेड वॉट्स आ रहे हैं वो दिखाएं जी, ये 2200 वॉट हैं। अब देखते हैं कि इसके एक्चुअल वॉट्स कितने हैं। अब हम इसकी कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। चूल्हा साइज में अच्छा है, ज़रा इस पर बर्तन रखना आसान है, बर्तन होल्ड इस पर सही हो जाता है। अब हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करके आपको दिखाएंगे कि ये कितनी पावर कंज्यूम करता है। ये दिखाएंगे इसका ऑन कैसे कर रहे हैं। पहले हम ये बर्तन दे दीजिए पानी वाला रखें साथ। ये देखिए हम इसको ऑन किया, ऑन लिखा नजर आ रहा है। अब हम इसको फंक्शन वाला जो हाथ का बटन है इसको टच करेंगे। अब ये 2200 है और एरर दे रहा है E0। इसका मतलब है कि इसके ऊपर बर्तन नहीं है। देखिए हम हाथ लगाएंगे तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये एरर दे रहा है E0, इसका मतलब है कि बर्तन नहीं है इसके ऊपर। और जैसे ही हम इसके ऊपर बर्तन रखेंगे ये ऑन हो जाएगा। ये देखिए बर्तन रखा और ये 2200 वाट शो कर रहा है और चलना शुरू हो गया। अब हम अपनी मर्जी से इसको कम कर सकते हैं। ये देखें ये डाउन का बटन है, इसको हम टच करते हैं, ये 1900 हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, 1300 हो जाएगा और 1000 हो जाएगा, 800 और 200 तक चला जाएगा। अब देखें जब ये 200 पे है तो ये बिजली कितनी कंज्यूम कर रहा है, ज़रा पावर दिखाएं जी। एम्पेयर मीटर जो है कितनी पावर शो कर रहा है, अभी दिखाते रहें। अभी ये पावर लेगा, ये 600 900। अच्छा ये अब जैसे ही बढ़ाएंगे ये देखें रुके रहें, 400 800 800 पे ये कितनी पावर शो कर रहा है। अब हमने कर दिया है 1000 1000 पे कितनी पावर शो कर रहा है, और फिर हम इसको कर रहे हैं 1300 1300 पे देखें कितनी पावर शो कर रहा है, 1600 1800 1900 और ये मैक्सिमम 2200 पे जब मैंने किया तो देखें ये 1400 समथिंग ये वॉट्स ले रहा है। इसका मतलब है कि जो इसके ऊपर प्रिंटेड वॉट्स थे वो इसके एक्चुअल वॉट नहीं होते। अक्सर चूल्हों के अक्सर इंडक्शन कुकर में ये इशू है कि जो इनके ऊपर प्रिंटेड वॉट्स होते हैं वो इनके एक्चुअल वॉट नहीं होते। ये देखिए जी हमारा एम्पेयर मीटर वॉट मीटर ये शो कर रहा है कि इस वक्त ये मैक्सिमम पे जाके 1400 समथिंग ले रहा है, मैक्सिमम 1400 वॉट तक ये जाएगा। ठीक है जी, लेकिन प्रिंटेड वॉट इसके 2200 हैं। चलें जी अब देखते हैं कि पानी गर्म हुआ कि नहीं। अब देखें कि पानी स्टीम निकाल रहा है, खासा गर्म हो गया है, लेकिन जब उठाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखें फिर एरर दे रहा है E0, मतलब बर्तन नहीं है और ये अभी गर्म नहीं है, वार्म है थोड़ा सा, क्योंकि ये बर्तन गर्म हो गया था तो बर्तन की रिवर्स हीट से ये वार्म हुआ है, गर्म नहीं हुआ। वार्म मीन के आप इसको टच कर सकते हैं। बताना ये मकसद है कि इंडक्शन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें चूल्हा खुद गर्म नहीं होता, सिर्फ बर्तन को गर्म करता है और बर्तन की रिवर्स हीट से खुद गर्म हो जाता है, जैसे रखेंगे दोबारा चलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये एक सिंपल सा चूल्हा है, नॉर्मल प्राइस का है। इसमें देखें एक और एक चीज़ आपको दिखाएं, ये दिखाएंगे फंक्शंस। कोशिश करें कि इसको आप सिर्फ इस पे चलाएं हॉट पॉट पे, हमें दूसरे फंक्शंस को टच करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें वैसे तो ये देखें 1600 पे चला गया, यहाँ पे करेंगे ये टेम्परेचर शो करेगा, ये सूप पे गया तो 1600 पे हो गया, इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है।
बस आप इसको हॉटपॉट पे रखें और इसको मैनुअल ऑपरेट करें। इस बटन को टच करेंगे तो डाउन हो जाएगा, इसको करेंगे तो अप होता जाएगा। आप इसमें टाइमर भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, ये देखें टाइम बढ़ा सकते हैं आप। ये एक मिनट का टाइम लग गया, इसका मतलब है ये एक मिनट के बाद खुद बंद हो जाएगा। ठीक है, पावर आप इसकी कम ज़्यादा इस बटन से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बटन से ये ऑफ हो जाएगा। ये टच मॉडल है, जिस दोस्त को चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0300-88-44-55-6 पे रब्ता कर सकते हैं। रब्ता कर ले, पूरे पाकिस्तान में हम डिलीवर कर सकते हैं बाई कोरियर। लेकिन एक गुजारिश है कि पैसे हम एडवांस में लेते हैं। ठीक है जी, किसी दोस्त को कोई अगर इस पे कोई शिकायत हो तो वो दूसरे दोस्तों को बता सकता है कि इस बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने कस्टमर पाकिस्तान में हमसे ले चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह किसी को इस मामले में कोई शिकायत नहीं है कि पैसों की वजह से। ठीक है, माजरत के साथ कि जो दोस्त भी काम करे वो इत्माद के साथ हमारे साथ काम कर सकता है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस फील्ड में काम करते हुए 4 साल से ज़्यादा अर्सा हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं एक और वीडियो और एक नए चूल्हे के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।